प्रगतिशील किसान ने बनाई अलग पहचान। सब्जियों की अनोखी खेती कर देश की मिसाल। खेती के शौक ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी। ऑर्गेनिक खेती को बताया सबसे उपयुक्त खेती। देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर काफी हद तक निर्भर करती है। आज खेती का दौर बदल चुका है। अब पहले की तरह खेती नहीं रही। जब कड़ी मेहनत और इंतजार के बाद किसानों को कुछ मुनाफा होता था, अब के समय का किसान काफी जागरूक और प्रगतिशील हो चुका है। खेती की नई तकनीक को समझ रहा है और प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो रहा है। आज का किसान ही नहीं, करोड़ों युवा भी खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं और खेती को मुनाफे का सौदा साबित कर रहे हैं। आज का किसान पारंपरिक खेती का मोह त्याग कर अन्य फसलों पर ध्यान दे रहा है, जो फसलें जिन पर लागत कम होती है और मुनाफा ज्यादा होता है। इन्हीं में से एक खेती है सब्जियों की खेती। इस खेती में लागत कम है, पानी का उपयोग भी काफी हद तक कम है और मेहनत भी कम। हाँ, देखभाल थोड़ी ज्यादा रहती है। आमतौर पर सब्जियों की खेती तो आपने देखी होगी, लेकिन आज हम एक ऐसे किसान से आपको मिलवा रहे हैं जिनका शौक आज उन्हें ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश विदेश में उनको एक अलग पहचान दिलवा चुका है। कुरुक्षेत्र के गांव जाजनपुर के प्रगतिशील किसान रणधीर सिंह शोकंद सबसे ज्यादा वजनी और लंबी सब्जी उत्पादन में दो बार लिम्का बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज करवा चुके हैं। एक ओर जहां उन्होंने पहली बार अपना बनाया रिकॉर्ड तोड़ा, वहीं अब रणधीर की नजर गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करवाने पर लगी हुई है। मेरा नाम रणधीर सिंह शोकंद है जी। और मैं अपने ये छोटे से किचन गार्डन के अंदर डेमोस्ट्रेशन किसानों को दिखाता हूँ। यह है 10-12 मरले जमीन। इसमें 10-12 मरले में मैं अलग 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 खेती लगाता हूँ और छोटे किसानों के लिए, जैसे जो छोटे किसान हैं उनको दिखाता हूँ मैं, भाई आप थोड़ी सी जगह में कैसे कमाई कर सकते हैं। हम तो खाने की सब्जी लगाते हैं, इसमें बीज बनाते हैं चाहे थोड़ा बहुत। मेरे पिताजी और भाई मेरे को बोले भी हमारा तुम ब्रेकफास्ट लेके खेत में आना। तो मैं छोटा था उस टाइम, पहली क्लास में पढ़ता था, तो ब्रेकफास्ट लेके गया। जब क्योंकि 6-7 साल का बच्चा उस टाइम पढ़ने के लगाते थे लोग, अब तो छोटे छोटे बच्चों को लगाते उस टाइम। तो जब बच्चा मजबूत हो जाता था शरीर से, जब उसको पढ़ने लगाते थे, तो मैं अपने पिताजी और भाई का ब्रेकफास्ट लेके खेत में गया। उन्होंने अमरूद के पौधे लगाने थे, तो उन्होंने 6 फुट तक के गड्ढे खोदे। उसमें हमारी ज़मीन में कंकर का पत्थर था, एक उसको पत्थर बोल देते हैं, पत्थर निकाल करके उसमें उपजाऊ मिट्टी और वो देसी खाद मिला के डाले और उसमें फिर उन्होंने अमरूद लगाए। और वो अमरूद जो आम अमरूद होते हैं उससे दुगने बड़े थे। फिर वही मैंने काम, मेरे को स्कूल में टीचर ने गेंदे की क्यारी दी जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था जी जी। और उसमें 10 फुट लंबी 3 फुट चौड़ी मैंने ऐसे किया, वहाँ से कंकर निकाली और बाहर फेंक दी मिट्टी। फिर मैंने उपजाऊ मिट्टी अपने घर से बैलगाड़ी ले आके उससे मिट्टी और देसी खाद मिला के उसको भरा और इतने दूसरे बच्चों के सब पौधे हरे हो गए। मेरे को टीचर बोला भाई तो कब लगाएगा, कब तेरे गंदे होंगे, सबके गेंदे हरे हो गए। मैं बोला जी कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से लगाऊंगा। फिर मैंने उसमें गेंदे लगाया, वो गेंदा 6 फुट का हुआ था और उसका इतना बड़ा बड़ा फूल आया, दुगना तिगना उससे। और उसमें वहीं से मेरा मन फिर गया, मैं फर्स्ट आया स्कूल के अंदर, अपने स्कूल में गेंदों में फर्स्ट आया था। मेरा मन फिर गया मैं एक रिकॉर्डर किसान बनूंगा और खेती करूंगा, मैंने पढ़ना नहीं है। और मैं 8वीं पास करते ही, वैसे 5वीं क्लास में ही मैंने शुरू कर दिया था काम, 5वीं में ही हल बाना शुरू कर दिया, हल सीख लिया था मैंने 5वीं क्लास में ही जबी। और फिर मैं 8वीं तक स्कूल में तो जाता रहा, परंतु मेरा ध्यान खेती में था। मैं ABCD भी नहीं सीखा, ABCD भी नहीं जानता मैं अच्छी तरह, 26 अक्षर। तो जी फिर मैंने अपनी खेती स्टार्ट की। दो तीन साल तो मुश्किल आई, क्योंकि मेरे पिताजी पे 8 एकड़ ज़मीन थी, वो भी 3 गांवों में 6 टुकड़े थे उसके, तो बैल थे, बैलों से हल चलाते थे। उसके बाद मैंने अपना खेती करके नकद में ही ट्रैक्टर लिया आइशर, वो ट्रैक्टर मेरे पास आज भी है। 1987 में लिया था, आज भी तक मेरे पास वो सीलबंद घेर बक्सा उसका आज भी सीलबंद है, वही ट्रैक्टर से खेती करते हम। ठीक है। तो जी फिर मैं, मेरे बच्चे मेरे को बोले जब, हाँ मैं बताता हूँ, फिर मैंने रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए। मेरे 1978 में जाके, मैं 1972 में खेती करने लगा था, 1978 में मैं कंपटीशन में आया। उस टाइम अर्जुन गेहूँ होती थी, 2009 अर्जुन, उसमें मैं फर्स्ट आया था हरियाणा के अंदर जी। तो उसके बाद फिर मेरा दिलचस्पी बढ़ती चली गई, HAU में मैं जाता रहा, ट्रेनिंग करता रहा। पहली ट्रेनिंग मैंने 1973 में की थी,
और मेरा जो गुरु था पहला एक एडीओ था, पहले टीचर माँ बाप थे, फिर टीचर थे, और फिर एक एडीओ मेरे को ट्रेनिंग में लेके गया पुंडरी के अंदर। वहाँ सिटी ऑफिस करनाल में होता था, वो तेजा सिंह संधू उसका इंचार्ज था, वो ट्रेनिंग देते थे किसानों को। वहाँ ट्रेनिंग की, फिर मैंने 74 में फिर ट्रेनिंग की, फिर मैं यूनिवर्सिटी में भी ट्रेनिंग करता रहा। तो साइंटिस्टों से हमने बहुत कुछ सीखा है, और साइंटिस्टों से सीख के अपने खेत पे अपनाते थे, दिन रात 24 घंटे अपने खेत में रहते थे। ये नहीं था भी हमने गाँव में जाना है। और आजकल क्या करते हैं किसान, जाके खेत में थोड़ा काम किया और धूप हुई और वहीं से निकल ले गाँव में जाके ताश खेलते हैं। मैं कहता हूँ किसानों को ताश मत खेलो, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, तुम्हारे पास तो इतना कीमती टाइम है कि तुम अपने खेत में लगाओ। एक एकड़ वाला भी, मैं कहता हूँ एक एकड़ वाला भी किसान भूखा नहीं मर सकता अगर काम करता है। सब्जी लगाओ, उसमें बाग लगाओ, नींबू लगाओ, उसमें गन्ना लगाओ, पशुओं का चारा। प्रगतिशील किसान रणधीर सिंह स्योकर गाँव जाजनपुर के रहने वाले हैं और मात्र 8वीं कक्षा तक ही उन्होंने पढ़ाई की है। 1998 में पहली बार उनका नाम लिम्का बुक में दर्ज हुआ था। प्रगतिशील किसान रणधीर ने बताया कि अब तक वो 200 से ज्यादा राज्य स्तरीय पुरस्कार जीत चुके हैं। इसके अलावा 6 अन्य राज्यों में भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। एक बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुके हैं। प्रदेश में सब्जी उत्पादन में पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने का गौरव भी उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि अब वो एक पेड़ के नीचे सबसे ज्यादा वजनदार शतावर को उगा रहे हैं, जिसका वजन 7 किलोग्राम हो चुका है। हल्दी की गांठ भी उन्होंने लगाई थी, जिसका वजन करीब 1.5 किलो का था। इसमें ऐसा है जी, इसमें सबसे पहले लगाया मैंने अरबी। अच्छा। वो अरबी मेरी 2-3 किलो से लेकर एक गांठ है, और 2 फुट तक लंबी हो जाती है और 5 किलो वजन तक हो जाती है। ठीक है सर। एक तो सबसे पहले वो है, उसके बाद मैंने पेठा लगा रखा है। मैंने इसलिए पेठा लगाया कि लोग ये कहते हैं पेठा नीचे नीचे होता है और ऊपर नहीं होता है। अच्छा। मैंने आपको दिखाया, पीछे भी दिखाया, यहाँ भी दिखाया, ऊपर चढ़ा रखे मैंने, ऊपर लगने लग रहा है। अगर ऊपर लगेगा वृक्ष मचांग के ऊपर लगेगा तो उसमें कीड़े भी कम आते हैं, बिल्कुल गलता भी कम है, हवा भी लगती है उसको। और उसके बाद लगाया मैंने लोबिया, लोबिया के बाद भिंडी है, भिंडी के बाद हमारी 2-3 प्रकार की बैंगन है, और बैंगन के बाद एक चेरी टमाटर है, चेरी टमाटर के बाद दूसरा टमाटर है, फिर पेठा कद्दू है, लौकी है, और लौकी के बाद आपने लंबा करेला भी देखा होगा और छोटा करेला भी देखा होगा आपने, जो फुटों के हिसाब से होता है लंबा करेला। और जी हल्दी के अंदर मैंने हल्दी लगा रखी है, और हल्दी में मैंने ऊपर उसके खीरा लगा रखे है। अच्छा। और उसके बीच में एक बेरी है। अच्छा जी। पहले तो उसमें खीरा होगा। अच्छा। फिर उसमें हल्दी होगी, और हल्दी पक जाएगी उसमें बेरी होगी, बेरी के बेर लगते हैं बहुत मीठे। वो बेरी है थाईलैंड एप्पल के नाम से, ग्रीन एप्पल भी बोलते रहते हैं। ये है जी। और मैं ये नहीं, अभी एक बार सब्जी जैसे बेर वाली सब्जी एक बार लगा दी दोबारा नहीं लगानी, मैं 15-15 दिन के अंदर अंतराल पे लगाता रहता हूँ। जैसे तोरी लगा रखी है, घिया लगा रखी है, आपने घिया की फोटो भी उतारी है, जो आजकल की घिया है उसके 3-4 लौकियों की आपने फोटो भी उतारी है, वो बीज के लिए रख रखी है हमने। और सबसे मुख्य मेरा कारण ये है कि मैं जब से खेती करने लगा था, मैं पत्तों का, वृक्षों की जो पतझड़ आती है तो मैं ग्रीन बेल्ट में एक पत्ता नहीं छोड़ता, वहाँ से पत्ता ले आता हूँ और अपने इसमें और इसमें डालता हूँ, और वो पत्ता सारा पानी पूनी देने से सारा सड़ जाता है। उसका प्योर ऑर्गेनिक खाद पत्ते से बनता है। भैंस के गोबर का भी प्योर ऑर्गेनिक खाद नहीं है। क्यों नहीं है? जो बिनोड़ा खड़ाते हैं, खड़ खड़ाते हैं, उस पर कपास के ऊपर इतने स्प्रे होते हैं कि वो असर तो जाता ही है, खड़ में भी जाता है। आमतौर पर सब्जियों की फसल होते आपने देखी होगी, लेकिन उस सब्जी का आकार और लंबाई बढ़ाना अपने आप में एक अलग काम है। प्रगतिशील किसान रणधीर सिंह शोकंद की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। रणधीर सिंह शोकंद किसानों से भी यही अपील करते हैं कि वो ऑर्गेनिक खेती पर ज्यादा ध्यान दें, और इसका फायदा मुनाफे और स्वास्थ्य के नजरिए से ज्यादा बेहतर है। आज रणधीर सिंह शोकंद जैसे प्रगतिशील किसान लाखों किसानों के लिए एक उदाहरण बन चुके हैं। रणधीर सिंह शोकंद को देखकर जिले के अलावा हरियाणा के किसान भी अब अन्य खेती की ओर ध्यान दे रहे हैं। हरियाणा सरकार भी लगातार किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर जागरूक कर रही है कि किसान पारंपरिक खेती से हटकर अन्य फसलों पर भी ध्यान दें, जिससे कि जल संरक्षण तो हो ही, साथ ही किसान संपन्न भी हो सके और अपनी आय को दोगुना करने का काम भी करें।